श्रीराम। जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है थोड़ा अलग। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा फल के बारे में बताऊंगा जो फल का सेवन करने से आप हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के शोक से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। आपका शरीर में कोई भी रोग का अगर बासा है, कोई भी रोग अगर पहले से प्रवेश कर गया, ये रोग को बिल्कुल नाश कर देता है। जैसे अग्नि काष्ठ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ये भी ऐसा एक फल है जो सारे रोग को जड़ से मिटाने में सक्षम है। आयुर्वेद में इस फल को मातृफल या धात्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। ये फल बहुत ही आसान एवं बहुत ही सहजलभ्य, सहजलभ्य का अर्थ है बहुत ही आसानी से एवं बहुत ही कम प्राइस में हर जगह पर अवेलेबल है। अगर कोई बोलता है ये फल नहीं मिलता है, वो तो ढूंढा ही नहीं है फल को, इसलिए नहीं मिलता है। ये फल बहुत ही सहजलभ्य और हर जगह में आपको ढूंढने से मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में इसको मिल जाएगा। ये फल को सेवन करने का एक विशेष विधि है, विशेष नियम है, और शास्त्र में इस फल के बारे में क्या क्या महत्व है, क्या क्या इस फल के गुण गाथा है, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पसंद आने का अगर आप लोगों को पसंद आ रहे, इसका एकमात्र कारण लाइक। आप लोगों का लाइक से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और मेरा मेहनत मुझे ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा मुझे भी खुशी आएगा जहाँ हाँ मेरे व्यूअर्स लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरा वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो फल है, इस फल का नाम है हरीतकी। ये जो हरीतकी फल है मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसका फोटो अपने FB पेज पर दे दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में ना आए, किसी फूल के बारे में अगर आप लोगों को जानने का अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो उसका फोटो तंत्र गुरु FB पेज में आप लोग को सीधा मिल जाएगा, ठीक है। ये हरीतकी फल, इसको पहचानने के लिए और एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो त्रिफला चूर्ण होता है आमलोकी हरीतकी बोयरा, इसमें ये हरीतकी इस्तेमाल होता है, त्रिफला चूर्ण, ठीक है। हिंदी में शायद इसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे विश्वास है इसका हरीतकी हो सकता है। हरीतकी ऐसा कुछ बोला जाता है, बांग्ला में हरीतकी होता है, संस्कृत में हरीतकी बोलते हैं इसको। हिंदी में आप थोड़ा देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं। मैं इसका बोल दिया आपको ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, त्रिफला चूर्ण में इसका सीधा इस्तेमाल होता है हरीतकी। तो शास्त्र में बोला गया है मित्रों, इसको भक्खन, इसको खाने का कुछ नियम बोला गया है। इसको खाने का नियम बोला है, सड़ोते सीता युक्ता हेमंते नागो रेण च शिशिरे पिपिला युक्ता बसंते मधुना सह ग्रीष्मे गुड़ संयुक्ता वर्षासु लवणेन च अनेना विधिनेन भक्षया हरीतकीं तस्य बुद्धिबलं वीर्यं आरोग्यं स्थिरयौवनम् अग्नि दहति काष्ठेन रोगाश्चैव हरीतकी कदाचित् कुप्यते माता न कुप्यति हरीतकी मातैव भक्षयेत् योगी हितकारी हरीतकी। यानी कि अभी इस संस्कृत वाक्य में हिंदी में आप लोगों को बोल के सुनाता हूँ। शास्त्र में बोला गया है, कोई भी व्यक्ति अगर हरीतकी खाता है, हरीतकी को पीस कर अगर उसका सेवन करता है, वो साक्षात देवतुल्य माना जाता है, शास्त्र में उल्लेख है ये। अच्छा, शरत ऋतु में अगर मीठे के साथ शर्करा यानी कि मीठा, मीठे के साथ अगर हरीतकी को कोई भोजन कोई लेता है, ठीक है, हरीतकी को शरत काल में मीठे के साथ लेना चाहिए। अच्छा, हेमंत काल में सूट यानी कि आधा को सुखाने के बाद सूट होता है, सूखा आधा के साथ इसको सेवन करना चाहिए। अच्छा, शिशिर ऋतुते पीपल का पत्ते को सुखाकर उस पत्ते के चूर्ण के साथ इसको लेना चाहिए। बसंत ऋतु में मधु यानी कि शहद के साथ, हनी के साथ इसको लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में कोई भी गुड़ के साथ आप इस हरीतकी चूर्ण को ले सकते हैं। बस वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ आप इस हरीतकी को ले सकते हैं। अगर ये ऋतु भेद में, अगर ऐसा ऋतु भेद का जो सिस्टम मैं बताया, ऋतु भेद के हिसाब से अगर हरीतकी को आप लोग सेवन करते तो आपका शरीर में कोई भी रोग प्रवेश करने का जगह ही नहीं बचेगा, कोई रोग जाएगा भी नहीं, और जो भी रोग पहले से आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है वो धीरे धीरे हरीतकी पूरा रोगों को नाश कर देगा। शास्त्र में इसी का उल्लेख दिया हुआ है,
ठीक है, बोला गया है जो व्यक्ति ऐसे करता है उसका बल और बल विद्या बुद्ध माने बल, उसका शास्त्र में बोला गया है तहार बल वीर जो बुद्धि विद्धि हो, बल वीर्य और बुद्धि का विद्धि हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शरीर निरोगी हो जाता है, सर्व प्रकार का रोग को नाश करके स्थिर यौवन को प्राप्त करने में सक्षम है ये हरितकी, स्थिर यौवन। उसके बाद बोला गया अग्नि जैसे काष्ठ को दग्ध कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय जलाकर राख कर देता है, हरित की बिल्कुल सर्व रोग को जड़ से मिटाने में सक्षम है, इतना पावरफुल इतना शक्तिशाली है। शास्त्र में बोला गया कभी कभी माता बच्चा के ऊपर गुस्सा होता है, कुपित हो जाता है, लेकिन हरितों की ऐसा है कभी भी अब मनुष्य के ऊपर कुपित नहीं हो सकता है, माते माता से भी माता से ऊपर हरितोकी को दर्जा दिया गया है शास्त्र में। आप लोग सोच सकते हैं मित्रों कितना पावरफुल, कितना एक मूल्यवान ये जड़ी बूटी है, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग कम लोग जानते हैं, और लोग जो लोग जानते हैं वो लोग इसका सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं करता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए ये हरितकी को अपने दैनंदिन जीवन में, नित्य जीवन में धीरे धीरे लाने की कोशिश कीजिए। अगर ये हरितकी का सेवन करते तो स्टील का चम्मच का एक हाफ चम्मच आप इसमें लीजिए, यानी कि 5 ग्राम। ठीक है, पहले 2.5 ग्राम से शुरू कीजिए, उसके 5 5 ग्राम में जाइएगा, पहले 2.5 ग्राम से शुरू कीजिए। 2.5 ग्राम आपके सुबह में अगर लेते हैं, 2 टाइम में ही कोई भी आयुर्वेदिक का दवाई का इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो इसको 2 टाइम में लेना है, जब आपका पेट खाली रहेगा, कम से कम खाना खाने के 4 5 घंटा के बाद, यानी कि अथवा सबसे बेस्ट टाइम है सुबह के टाइम में, खाली पेट में। खाली पेट में ही कोई भी जड़ी बूटी काम में आता है, भरा पेट में, पेट अगर भरते रहेगा काम में नहीं आएगा। सुबह के टाइम में अगर आप लोग लेते हैं थोड़ा सा, इसको लेने के बाद गर्म पानी पीछे से पी लीजिए, रात में भी इसको लेने के बाद थोड़ा सा पीछे से गर्म पानी पी लीजिए, 2.5 ग्राम से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है तो धीरे 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 बढ़ाते जाइए। कोई भी जड़ी आयुर्वेद का दवाई का आप जब लेंगे, गर्म पानी पीछे से जरूर थोड़ा बहुत पीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। हरिओम तत्सत।